हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ज्ञानम. माय नेम इज रोहित. दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी स्केल वन का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है. स्केल वन जिसको हम पीओ भी बोलते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर. सो रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है. जिन भी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था और एग्जाम को क्लियर किया है, मेन्स एग्जामिनेशन क्लियर किया है, सो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो. अब आप अगले चरण में पहुंच चुके हो. सो अगला चरण, अगला स्टेप जो है वो है इंटरव्यू. सो स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री, इन सबका जो अगला चरण है वो इंटरव्यू है. और इंटरव्यू जो है, अब आप सब कैंडिडेट्स आरआरबी के एग्जाम में अपीयर हुए, मेंस को क्लियर किया. सो आरआरबी आप सबको पता है स्टेट वाइज है, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, या इट मींस नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपीयर हो रहे हो, राजस्थान हुआ, सो आपका जो इंटरव्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को शेड्यूल किया गया है. सो ज्ञानम आप सभी के लिए हमेशा की तरह इस बार भी अपना इंटरव्यू पैनल लेकर आया है, इंटरव्यू बैच लेकर आया है, जिसमें आपको हम इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप ज्ञानम के स्टूडेंट हो या फिर बेसिकली आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, आप कहीं भी पढ़े हो, चाहे आपने खुद सेल्फ स्टडी की है या आप कहीं और पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता. ये इंटरव्यू आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जो कि ज्ञानम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है. सो बेसिकली इंटरव्यू पैनल जो है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ पर. मॉक इंटरव्यू की प्रॉपर बात मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या हम बताने वाले हैं, इसमें किस तरीके से आपको गाइडेंस दी जाएगी. सो आइए आगे बढ़ते हैं. इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है स्टूडेंट्स. कोई भी आपको डाउट लगे, कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अंत में मैं एक नंबर भी देने वाला हूँ, आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. आइए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बातचीत करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है इस क्लास के अंदर, जो ज्ञानम आपके लिए लेकर आया है आईबीपीएस के इंटरव्यू के लिए, आरआरबी के इंटरव्यू के लिए. इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, क्या क्या सेशंस आपके लिए होंगे. तो सबसे पहले तो मॉक इंटरव्यूज तो आपके कंडक्ट होंगे, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है. बट मॉक इंटरव्यूज में पहुंचने से पहले आपको किन बातों के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए भी स्पेशल क्लासेस हम आपके लिए लेके आए हैं. जैसे मैं आपको बता दूं, सो सबसे पहले आज के टाइम में जब इंटरव्यू होता है तो सबसे एक इंपॉर्टेंट गर्माहट का टॉपिक रहता है, वो है करंट अफेयर्स. अभी जैसे यूएस में इलेक्शंस हुए, वर्ल्ड में जो वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, उन सबके बारे में जानकारी आपको होना. ठीक है, अब आरआरबी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है. पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर किसान जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं. पंजाब में जैसे किसानों का आढ़तियों के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये सारे मैटर्स जो है इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है. उसके बाद एचआर सेशंस की, आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताना. और एक और चीज, दैट इज बैंकिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपने मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है, तो बेसिक बैंकिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए. सो ये सारी चीजें भी आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, और इसी के साथ साथ फिर आपको मॉक इंटरव्यूज में भी बिठाया जाएगा. तो ये जो मॉक इंटरव्यूज है ज्ञानम आपके लिए लेके आया है, ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहे हैं, इट मींस 9th of November से स्टार्ट हो रहे हैं. जिन भी स्टूडेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आप सभी का इंटरव्यू होगा, आप लोग अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि चंडीगढ़ या आसपास के सिटीज से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ विजिट कर सकते हैं, यहाँ विजिट करके मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं पैनल के सामने बैठकर, ऑफलाइन इंटरव्यू जिसे मैं कहता हूँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी वैसे ही होने वाला है, तो आपको बिल्कुल रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा. क्योंकि यहाँ पर पैनल में जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठेंगे, वो सारे के सारे बैंक से ही रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, कोई जीएम है, एजीएम्स हैं, तो रिटायर्ड बैंकिंग ऑफिशियल्स ही हैं, जो कि एक्चुअल में भी बैंकिंग इंटरव्यू पैनल्स में बैठते हैं, जो कि आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है. तो सीनियर स्टाफ आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पर होगा, और यहाँ पर सीनियर टीचर्स के द्वारा ही आपकी क्लासेस जो होंगी, दैट इज एचआर सेशन की या फिर करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको बेसिक सारी गाइडेंस जो है वो दी जाएगी. और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. और ज्ञानम आपके लिए ये फैसिलिटी ऑनलाइन भी लेकर आया है. अगर आप घर बैठे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप घर बैठे भी इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ये दे सकते हैं, अपना स्लॉट बुक करके मॉक इंटरव्यू जो है वो अटेंड कर सकते हैं. सो इसके लिए आपको अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन देना चाहते हैं, तो आपको अपना स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा, और उसी स्लॉट के अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ बताया जाएगा. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स आपको मॉक इंटरव्यू से पहले ही बता दिए जाएंगे, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो सको.
और ये एक सेशन नहीं होगा आपका, ज्ञानम आपके लिए 2 to 3 वोक इंटरव्यूज फॉर ईच स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करेगा, ताकि आप अच्छे लेवल पे इंटरव्यू की तैयारी कर बढ़ सको और अपने एग्जाम के जो कि आपने क्वालिफाई किया है आप इंटरव्यू को भी अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सको, और ताकि सिलेक्शन जो है वो आपके द्वार पे रहे, आपको सिलेक्शन जो है वो मिल सके। सो अपना स्लॉट आज ही बुक कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञानम आपके लिए फैसिलिटी लेकर आया है, ताकि आप स्टूडेंट्स जो हैं ये मॉक इंटरव्यू से पहले ही मॉक इंटरव्यू के जरिए अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ इंटरव्यू में बैठे, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में बैठे, ताकि आप अच्छा स्कोर जो है वो कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके जो भी दोस्त मित्र रिलेटिव जिन्होंने RRBPO का मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है वो इस वीडियो को देखें और अपना स्लॉट आज ही बुक करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स।